हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स विद काजल। फाइनली मेरा फेवरेट फेस्टिवल आ गया है, राखी फेस्टिवल। ओब्वियसली माय फेवरेट फेस्टिवल। मुझे लग रहा है ये सभी जिस घर में भाई बहन रहते होंगे उनका फेवरेट फेस्टिवल होगा। बेसिकली लड़कियों का ये ज़्यादा फेवरेट होगा, मतलब बहनों का। भैया का पॉकेट जो खाली करना है, मजाक कर रही थी। भाई बहन का झगड़ा तो घर पे हर रोज़ होता है, बस 5-10 मिनट्स में वो सॉल्व भी हो जाता है, जैसे कि वैसे फिर से बन जाते हैं। और ये राखी फेस्टिवल तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, मतलब एक भाई बहन का प्यार होता है इसमें। हम भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। सुबह से मम्मी पीठा बना रहे हैं, इडली। इडली पीठा तो सबको पता ही होगा, पर हमारे इसमें क्या होता है, नॉर्मल इडली नहीं बनता है इस दिन में। वो जो ब्राउन कलर का है ना, वो कोकोनट और गुड़ मिक्स करके एक स्वीट बनाते हैं, जिसको इडली के अंदर स्टफिंग करते हैं। उसके बाद पूरी का जगन्नाथ, ये तो हर किसी को पता है। जगन्नाथ के पास इसे भोग लगाते हैं, प्रसाद। उसके बाद फिर भाई बहन को राखी बांधते हैं, इसे पीठा खिलाते हैं, स्वीट्स भी खिलाते हैं, ऐसे होता है। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप भी कभी घर पे ट्राई कीजिए इसको। बहुत सिंपल है, इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल इडली जैसे बनता है वैसे ही रेसिपी है, बस ये जो स्वीट वाला इसको पूरा बनाते हैं ना स्टफिंग के लिए, वो बस एक्स्ट्रा होता है, नहीं तो नॉर्मल इडली के तरह ही ये बनता है। बहुत टेस्टी होता है। अभी भैया को उठाने का बारी है। ये देखिए, अभी तक उठा भी नहीं है। नहा के रेडी होके आ गया, अभी भगवान के पास पूजा हो गया है वो इडली। अभी मैं उसको राखी बांधने वाली हूँ। बहुत ही स्वीट मोमेंट्स होता है ये। शायद शादी कभी भी, शायद उसको मैं शादी के बाद से आज तक राखी नहीं बांधी थी, ये फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको शायद ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर आपके भाई के पास चाहिए और राखी बांधिए। राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है मेरी। राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। भैया दे दो कलाई, बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन, महीना भी सावन, भैया खा लो मीठा। और ये उसकी फ्रेंड है, इनको भी मैं हर साल राखी बांधती हूँ। इस बार मौका मिला है तो सबको बांध लिया। ये भी उसके और एक फ्रेंड है, सबको इस बार बुलाए थे, सब भी आए थे घर पे। बहुत अच्छा लगा राखी बांध के सबको, और बहुत एंजॉय भी किया, और ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले। अच्छा लगा राखी बांध के। शादी के 3 साल हो गए, 3 साल से मैं राखी नहीं बांधी थी किसी को भी। फाइनली राखी बांध रही हूँ।
आई एम वेरी मच हैप्पी। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं राखी फेस्टिवल को। एंजॉय करना भी चाहिए, एक साल में एक ही बार आता है, इससे ऐसे ही मत जाने देना चाहिए। सब एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।